टी20 वर्ल्ड कप सिर पर है और टीम इंडिया के कुछ मसले हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारियों के नाम पर हमारे पास 3 मैचों की अफगानिस्तान सीरीज है और दूसरा IPL का पूरा सीजन। इसी से आपको अंदाजा लगाना होगा कि आप कैसी टीम आने वाले वर्ल्ड कप में लेकर उतरेंगे। हाल ही में एक और खबर हैरान करने वाली सामने आई। पिछले 1 या 1.5 साल से ईशान किशन को हमने विकेट कीपर के तौर पर तैयार किया था, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले होने वाले अफगानिस्तान सीरीज में उन्हें अचानक ड्रॉप कर दिया जाता है। वजह बेहद चौंकाने वाली। टीम इंडिया जब साउथ अफ्रीका दौरे पर थी तब ईशान ने 20 दौरे में ही BCCI से अपील करते हुए ब्रेक लिया था कि वो मानसिक थकान में हैं और लंबे वक्त से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए वो ब्रेक चाहते हैं। ब्रेक मिल भी गया। इस बीच ईशान किशन ने ब्रेक लेने के बाद एक TV शो में हिस्सा भी लिया था। साथ ही उन्हें अभी तक BCCI को नहीं बताया था कि कब तक टीम इंडिया में वो वापसी कर पाएंगे। BCCI ने ईशान से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन वे आउट ऑफ रीच ही रहे। यही वजह रही कि ईशान का सिलेक्शन नहीं हो सका। माना जा रहा है कि BCCI ने ईशान के ऊपर ये एक्शन डिसिप्लिन के चलते लिया है। ईशान टीम से बाहर हुए और विकेट कीपर जितेश शर्मा को चुन लिया गया। यह भी माना जा रहा है कि ईशान बतौर ओपनर ज़्यादा फिट हैं और टीम के मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह उतनी नहीं बनती है। ऐसे में रोहित और विराट कोहली के वापस आने के बाद उनकी टीम में भी अब जगह नहीं बन पा रही है। चलिए, ईशान का मैटर तो यहाँ जैसे तैसे निपट गया, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट के सामने एक नया पेज फंसने वाला है। बता दें कि IPL के साथ ही ऋषभ पंत भी क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे हैं। पिछले महीने की बात है, दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सौरव गांगुली मीडिया से मुखातिब हुए। उनसे ऋषभ पंत को लेकर सवाल पूछा गया। उनका जवाब बिल्कुल सीधा था। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत अच्छी शेप में है और 2024 IPL में टीम का हिस्सा होंगे। अब बल्ले से किसी भी फॉर्मेट में ऋषभ पंत कितने बड़े मैच विनर हैं, ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लंबे छक्के लगाना भी जानते हैं और मैच फिनिश करना भी। वर्ल्ड कप 2023 में तो KL राहुल ने कीपिंग की जिम्मेदारी संभाल ली थी, लेकिन T20 के प्लान में तो वो है ही नहीं। पिछले 1 साल में ईशान किशन, KL राहुल, संजू सैमसन और जितेश शर्मा BCCI की स्कीम ऑफ थिंग्स यानी कि योजनाओं में रहे थे, लेकिन पंत की वापसी से ये सिरदर्द और बढ़ने वाला है। यानी फिलहाल तो कहानी कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम में कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। अगर पंत IPL में शानदार प्रदर्शन कर देते हैं तो एक विकेटकीपर का पेच और ज़्यादा फंस जाएगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि सिलेक्टर्स आखिर में किसको चुनते हैं। बहरहाल, हमारे इस वीडियो में इतना ही। मैं दिपेश आपसे इजाज़त लेता हूँ। खेल की बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।